हेलो फ्रेंड्स, इंडियास कुकिंग किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो चोकोबार आइसक्रीम, जिसे देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। गर्मियों की सीजन में आइसक्रीम बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, न कोई मोल्ड की ज़रूरत है, न इसे बनाने के लिए कोई कुकिंग की ज़रूरत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। तो इस कुल्फी को बनाने के लिए हम 4 पैकेट ओरियो बिस्किट के लिए हैं, 10 रुपया वाला पैकेट हम लिए हैं, तो 3 हम साइड कर देंगे, 1 पैकेट को लेंगे और 1 बेलन से इस तरह से बिस्किट को पूरी तरह से क्रश कर लेंगे अच्छे से। तो देख सकते हैं बिस्किट हमारा अच्छे से क्रश हो गया है पूरी तरह से। अब एक सीजर से इसको ऊपर से इस तरह से काट लेंगे और काटने के बाद पैकेट को ओपन कर लेंगे और इसे एक कप में इस तरह से रख के सिक्योर कर लेंगे ताकि ये गिरे ना। इसी तरह क्रश करके सारे पैकेट्स को हम ओपन कर लेंगे। एक कप या कटोरी में रख के कर सकते हैं। अब इसमें हम दूध लिए हैं, दूध हमें गर्म नहीं लेना है तो ठंडा ही दूध हम लिए हैं रूम टेम्परेचर पे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे, दूध हमें ज़्यादा नहीं भरना है, सिर्फ ऊपर तक दूध भरना है ताकि बिस्किट हमारे सारे भीग जाएं। और एक स्टिक लेंगे, स्टिक से इसको इस तरह से मिक्स करके और स्टिक इसमें फंसाते जाएंगे। तो इसी तरह सारे आइसक्रीम में हम इस तरह से स्टिक को फंसा देंगे। तो अब इसे हम रख देंगे फ्रीजर में 3 से 4 घंटे के लिए। और इसी ग्लास से हमने 1 ग्लास दूध का यूज किया है। तो अब ये फ्रीजर होके निकल गए हैं, देख सकते हैं कुल्फी हमारी बन के रेडी हो गई है, कितनी बढ़िया से जम गई है। अब ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा हम काट लेंगे रैपर को और काट के इस तरह से ओपन कर लेंगे खोल के पैकेट को। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया आइसक्रीम हमारी बन के रेडी है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, इसे हम और भी चॉकलेटी बनाने के लिए इस पे चॉकलेट की कोटिंग करेंगे। तो हम यहाँ डेयरी मिल्क चॉकलेट लेके डबल बॉयलर मेथड से इसे पिघला लिए हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा पीनट्स लिए हैं मूंगफली को हल्का रोस्टेड, और इसे हल्का दरदरा कूट लिए हैं, थोड़ा सा इसको डालेंगे और डाल के इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम ग्लास में इसलिए रखे हैं ताकि इसमें अच्छे से आइसक्रीम के ऊपर कोटिंग हो जाए। तो इस तरह से इसको ग्लास के अंदर हम डिप कर लेंगे। तो देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब हमारी नटी रोल आइसक्रीम बन के रेडी हो गई है, देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसको आधा घंटा के लिए और हम फ्रिज में रख देंगे। आधा घंटा बाद हमने फ्रिज से निकाल लिया है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर लग रहा है, इसे खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसे आप बच्चों को दे सकते हैं, इस गर्मी बना के बच्चे बहुत इंजॉय से खाएंगे। तो इसे बनाने के लिए कोई मोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये पैकेट में बन के रेडी हो जाता है। इसे आप झटपट आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।